बच्चों, कैसे हैं आप? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें, इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। बच्चों, आपको तो पता ही है कि प्रत्येक साल 14 नवंबर को बाल दिवस और 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। इस कारण पूरे सप्ताह को हम लोग बाल अधिकार सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। तो इस अवसर पर आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे एक छोटी सी फिल्म जिसका नाम है एहसास। उसके बाद पढ़ाई करेंगे विज्ञान विषय की, जिसमें सबसे पहले क्लास 6 में विद्युत तथा परिपथ भाग 2 चैप्टर का अध्ययन करेंगे। फिर क्लास 7 में हवा के अजब खेल भाग 2 के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम तारा के साथ रहेंगे तैयार कोरोना से बचाव के बारे में जानने के लिए। फिर हम शामिल होंगे क्लास 8 में और पढ़ाई करेंगे बल और उसके प्रकार की। और अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की विज्ञान की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। आज स्कूल में किए विद्युत के प्रयोग के बाद सुनैना बहुत खुश थी। वह उत्सुक थी घर पर सबको इसके बारे में बताने के लिए। घर पहुंचते ही सबसे पहले उसने मुंह हाथ धोकर खाना खाया और फिर इंतजार किया माँ और पिताजी के काम से वापस आने का। शाम को जैसे ही माँ पिताजी वापस आए, सुनैना उनको अपने दिन के बारे में बताने लगी। सोहन भी अब सोकर उठ गया था। माँ पिताजी, मुझे आपको कुछ बताना है। अरे सुनैना, पहले बैठने तो दो। सुनैना और सोहन ने माँ और पिताजी के हाथ से उनका सामान लेकर रखा और उन्हें पानी दिया। हाँ सुनैना, अब बताओ क्यों इतनी उत्साहित हो? पिताजी, आज स्कूल में हमने बैटरी और तार की मदद से एक बल्ब को दीप्त किया। अरे वाह, तुम्हें तो बहुत मजा आया होगा। ये आपने कैसे किया सुनैना दीदी? बैटरी और तार की मदद से एक विद्युत परिपथ बनाकर। विद्युत परिपथ क्या होता है? सोहन, किसी भी विद्युत यंत्र को चलाने के लिए एक विद्युत परिपथ चाहिए होता है जिसमें विद्युत धारा बहती है। इससे ही बल्ब जैसी चीजें दीप्त होती है। मुझे भी बनाना है विद्युत परिपथ। नहीं सोहन, वो तो स्कूल में सीमा दीदी ने बनवाया था। इसे बनाने के लिए जो सामान चाहिए होता है वह घर पर है ही नहीं। मैं पुराने सामान के डिब्बे में देखती हूँ, जरूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। सुनैना और सोहन खुश हो गए। माँ एक पुराना डब्बा लेकर आईं। पिताजी और माँ ने उसमें से कुछ पुराने तार और एक बल्ब निकाला। सुनैना ने घड़ी में से सेल निकाला। अरे वाह, घर पर तो सभी सामान एकत्रित हो गया। सुनैना ने झटपट सभी सामान को उसी तरह व्यवस्थित कर दिया जिस तरह स्कूल में किया था और बल्ब दीप्त हो गया। अरे वाह दीदी, पता है हमारे घर में जितनी भी विद्युत से चलने वाली चीजें हैं वह इसी सिद्धांत पर चलती हैं। दीदी, अब इस बल्ब को कैसे बंद करेंगे? सेल के किसी भी एक टर्मिनल से तार को निकाल कर। पर जब हम घर में किसी बल्ब को बंद करते हैं तब तार तो नहीं निकालना पड़ता। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि उस बटन से तार किस तरह जुड़े हैं। तार तो दीवार के अंदर होते हैं और हमें दिखते भी नहीं। सुनैना, अगर तुम चाहो तो इस साधारण विद्युत परिपथ में भी बल्ब को जलाने और बुझाने के लिए बटन लगा सकती हो।
ऐसे बटन को विद्युत स्विच बोलते हैं। वो कैसे पिताजी? अभी करके देख लेते हैं। पिताजी ने परिपथ में एक जगह से तार को काटा। ऐसा करते ही बल्ब बंद हो गया क्योंकि विद्युत प्रवाह रुक गया। सुनैना, क्या तुम तार के इन दो सिरों से प्लास्टिक हटा सकती हो? सुनैना ने झट से प्लास्टिक की परत हटा दी। पुराने डिब्बे में से पिताजी ने एक चाबी निकाली और तार के एक सिरे को उस चाबी से जोड़ दिया। सुनैना, अब चाबी का दूसरा हिस्सा तार से जोड़ो। जैसे ही सुनैना ने चाबी का दूसरा सिरा तार से जोड़ा, बल्ब दीप्त हो गया। अरे वाह, ये तो बहुत सरल था। पिताजी, आपने चाबी को ही क्यों स्विच बनाया? इस डिब्बे में तो बहुत सारा सामान है। एक काम करते हैं, हम इस विद्युत परिपथ में अलग अलग चीजें जोड़ते हैं और देखते हैं कि बल्ब दीप्त होता है या नहीं। माने कुछ सामान जैसे रबड़, लोहे की कील, चौक, कपड़े का टुकड़ा, कांच का टुकड़ा आदि डिब्बे से निकाला। सुनैना और मैं इन सब चीजों की सूची बना लेते हैं और देखते हैं किस चीज के प्रयोग से बल्ब जलता है। सुनैना ने एक कागज पर सूची बनाई। सबसे पहले इस लोहे की कील के साथ प्रयास करते हैं। सुनैना ने चाबी को हटाकर लोहे की कील लगाई, बल्ब दीप्त हो गया। पिताजी, इस सूची में लोहे की कील के सामने हाँ लिख दीजिए। अब रबड़ के साथ कोशिश करते हैं। रबड़ के साथ तारों को जोड़ने पर बल्ब दीप्त नहीं हुआ। इसी तरह कपड़े के टुकड़े से भी नहीं हुआ, पर चांदी की चम्मच से बल्ब दीप्त हो गया। कील, कील से बल्ब जल जाता है। रबड़, रबड़ लगाने पर बल्ब नहीं जलता। कपड़े, कपड़े का टुकड़ा लगाने पर बल्ब नहीं जलता। चांदी, चांदी लगाने पर बल्ब जल जाता है। ऐसा क्यों है कि कुछ चीजों से बल्ब दीप्त हुआ और कुछ से नहीं? ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें से कुछ चीजें विद्युत चालक हैं और कुछ विद्युत रोधक। यह क्या होता है? जब विद्युत परिपथ में विद्युत का प्रवाह होता है, उसमें कहीं भी रुकावट आने से विद्युत उत्पन्न नहीं होती और वह परिपथ अधूरा माना जाता है। विद्युत चालक ऐसे पदार्थ हैं जिनसे विद्युत प्रवाह नहीं रुकता, बल्कि ये पदार्थ आसानी से विद्युत का प्रवाह करवाते हैं, जैसे धातु से बने पदार्थ, लोहा, तांबा, चांदी इत्यादि। इसलिए बिजली के तारों को धातु से बनाया जाता है ताकि विद्युत उनमें प्रवाह कर सके। पर तारों के ऊपर तो प्लास्टिक होता है। हाँ, धातु से बने तारों पर विद्युत रोधक पदार्थ चढ़ाए जाते हैं, ऐसे पदार्थ जो विद्युत प्रवाह को रोकते हैं। तारों के ऊपर प्लास्टिक इसलिए जरूरी है ताकि यदि कोई उन्हें छुए तो विद्युत से झटका ना लगे। हाँ बच्चों, विद्युत से बहुत संभल कर रहना चाहिए। इस तरह के प्रयोग बड़ों की मौजूदगी में ही करने चाहिए। घर में भी विद्युत यंत्र केवल बड़ों के सामने ही इस्तेमाल करें। यदि विद्युत से जुड़ी किसी भी चीज से असावधानी बरती जाए तो हमें गंभीर चोट भी लग सकती है। जी पिताजी, हम इन बातों का ध्यान रखेंगे। भाई, मुझे तो बच्चों के साथ यह प्रयोग करके बहुत मजा आया। मुझे भी। हमें भी। किसके लिए है होम क्वारंटाइन? होम क्वारंटाइन की जरूरत ऐसे लोगों को है जो ऐसे देशों से आए हैं जहां के समुदाय में COVID-19 या कोरोना वायरस से संक्रमण रहा हो, उसका प्रसार न हो, या फिर ऐसे लोग जो इन लोगों के साथ में, ऐसे समूहों के साथ में यात्रा करके आए हैं जो COVID-19 या कोरोना वायरस से संक्रमित रहे हो या संभावित तौर पर भी संक्रमित रहे हो। इसके साथ ही साथ ऐसे लोग जो कोरोना वायरस से संक्रमित या संभावित तौर पर भी संक्रमित लोगों के साथ निकट संपर्क में रहे हो, ऐसे लोग भी खुद को होम क्वारंटाइन करें। कोशिश करें कि घर के किसी हवादार कमरे में
दरवाजा बंद करके रहें। यदि अलग कमरा संभव न हो तो घर के दूसरे सदस्यों से, खास करके बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें। और हाँ, बिस्तर तो बिल्कुल शेयर न करें। यदि संभव हो तो अलग शौचालय का प्रयोग करें। यदि संभव नहीं तो हर शौच के बाद शौचालय को अच्छी तरह साफ करें। हर समय मास्क लगाए रखें। 6 से 8 घंटों के अंदर नया मास्क बदल लें। साबुन, पानी या अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर से बार बार हाथ को धोएं। अपनी घरेलू चीज़ों जैसे बर्तन, ग्लास, कप, तौलिया आदि घर के अन्य सदस्यों से साझा न करें। कमरे, टेबल एवं अन्य फर्नीचर की नियमित फिनाइल मिले पानी से सफाई करें। कोई भी लक्षण, बुखार, खांसी एवं सांस लेने में तकलीफ होने पर 104 पर संपर्क करें एवं मेडिकल सहायता मिलने तक घर पर अलग थलग यानी क्वारंटाइन रहें। और सबसे बड़ी बात, घबराए नहीं, डरे नहीं, लेकिन लापरवाह न रहें। कोरोना, डरे नहीं, एहतियात बरतें। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा जनहित में जारी। हवा के अजब खेल भाग 2। तुम ना बुलाओ तो भी मैं आऊंगी, घर के हर कमरे में रहूंगी, ना भाड़ा ना किराया दूंगी, पकड़ ना मुझको तुम पाओगे, मेरे बिन ना तुम रह पाओगे। बताओ बताओ मैं कौन हूँ? हाँ हाँ दोस्तों, मैं हवा हूँ। गर्मी में गर्म हवाओं के बाद नमी लिए हवाएं तो आपको जरूर याद होंगी, और सर्दियों की रातों की वही हवा आपकी हड्डियों तक में कपकपी पैदा कर देती है। अगर मैं हल्के हल्के बहती हूँ तो आप सब बड़े मजे में पतंग उड़ा सकते हैं, नाव में घूमने जा सकते हैं, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी आनंद में रहते हैं। परंतु अगर मेरा मूड बिगड़ जाए तो मैं आंधी और तूफान बनकर आकाश को धूल मिट्टी से भर देती हूँ, यहाँ तक कि मैं बड़े बड़े पेड़ भी उखाड़ देती हूँ। अरे अरे घबराइए मत, मेरा मूड बिल्कुल अच्छा है। आपको याद है पिछले वीडियो में हमने एक प्रयोग किया था, हमने एक गिलास में पानी भरा था, फिर एक चौकोर गत्ते के टुकड़े को उसके ऊपर रखा था, फिर हमने पानी से भरे गिलास को उल्टा कर दिया था, याद आया? फिर क्या हुआ था? वह पानी गिरा नहीं। आपने पता लगाया कि ऐसा क्यों हुआ? हमने इस प्रयोग से यह समझा कि मैं यानी हवा हर तरफ से दबाव डालती है, ऊपर की तरफ से भी। रमेश, श्याम और महेश पतंग उड़ाने के बाद अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए प्रोफेसर सर के घर आ पहुंचे हैं। देखिए तो, प्रोफेसर सर का घर किसी वैज्ञानिक प्रयोगशाला से कम नहीं लग रहा। हर जगह कोई ना कोई प्रयोग चल रहा है। आइए चलते हैं वहाँ, देखते हैं कि बच्चे क्या सीखते हैं। इस कहानी के उद्देश्य हैं हवा के गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। देखो तो जरा, कितना मजेदार और दिलचस्प घर है प्रोफेसर सर का। वो देखो, बोतलें, अलग अलग आकार की शीशियां, रंग बिरंगा पानी और कितनी सारी किताबें। अरे लगता है आज किसी का जन्मदिन है, कितने सारे गुब्बारे फुला कर रखे हैं। अरे हाँ, चलो प्रोफेसर सर से ही पूछते हैं। नमस्ते प्रोफेसर सर। लगता है वे व्यस्त हैं, मैं एक गुब्बारा फोड़ता हूँ। अरे शैतान, कौन है? हम हैं सर, वो आज पतंगे उड़ाते समय हम सबको हवा की दिशा के महत्व के बारे में कई बातों का पता चला, पर हम सबके मन में हवा की विशेषताओं के बारे में कई सवाल थे, तो हमने सोचा कि आपसे बेहतर हमें कौन समझा पाएगा। बच्चों,
हवा दिखती तो नहीं है, पर उसके गुण हमें दिखते हैं। यानी कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में हवा के कई गुणों को देख सकते हैं, पर तुम सबको इन गुणों का स्वयं निरीक्षण करना पड़ेगा। सही कह रहे हैं प्रोफेसर। जब तक आप कोई प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक मेरे बारे में समझ नहीं पाएंगे। देखते हैं कि बच्चे मेरे बारे में क्या समझते हैं। आप भी ध्यान से देखिएगा। प्रोफेसर सर, क्या आज किसी का जन्मदिन है? यहाँ इतने सारे फूले हुए गुब्बारे रखे हुए हैं। अरे नहीं नहीं, मैंने अपने एक प्रयोग के लिए इन गुब्बारों को फुलाया था। लो, तुम भी कोशिश करो। ये लो, मैंने तो 4-5 गुब्बारे फुला लिए। तभी तो हाँप रहा है। ठहर, मैं तेरे लिए पानी लाता हूँ। अरे इधर आओ, देखो प्रोफेसर सर क्या कर रहे हैं। वे सोडा के डिब्बे को क्यों गर्म कर रहे हैं? देखो, अब वे उसे उस पकड़ की मदद से उठा रहे हैं। पानी में डालते ही उस डब्बे का तो आकार ही बिगड़ गया, कैसा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। ये क्या हुआ? क्यों दोस्तों, मजेदार प्रयोग था ना? कुछ समझ में आया कि ऐसा क्यों हुआ? वही जो हम देख नहीं सकते, लेकिन वो हमारे आसपास की हर चीज पर, यहाँ तक कि धरती पर भी दबाव डालती है, यानी कि मेरा या हवा का दबाव। ठहरो, मैं समझाती हूँ। जब उस डिब्बे को प्रोफेसर ने पानी में डाला, तो डिब्बे के अंदर की कुछ भाप जल में परिवर्तित हो जाती है और डिब्बे के अंदर वायु की मात्रा कम हो जाती है। डिब्बे के भीतर वायु का दबाव डिब्बे के बाहर की वायु के दबाव से कम हो जाता है और इस दाब के अंतर के कारण डिब्बा पिचक जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हवा या वायु दबाव डालती है। चलो मैं प्रोफेसर सर का चश्मा पहन लेता हूँ। रमेश बेटा, क्या कुछ समझ आया हवा के दबाव के बारे में? आओ एक और प्रयोग करते हैं। तू तो सही में प्रोफेसर जैसा ही लग रहा है, बस मूंछों की कमी है और थोड़ी समझ की। अच्छा प्रोफेसर रमेश, देखो प्रोफेसर सर कुछ और कर रहे हैं। यह एक दिन में कितने प्रयोग करते होंगे? अरे देखो, उन्होंने उस गिलास में एक कागज का छोटा सा टुकड़ा डाला है। चलो देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। अब वे उस कागज के टुकड़े को जला रहे हैं। अरे देखो, वे उस गुब्बारे को उस गिलास के ऊपर रख रहे हैं। मुझे लगता है कि गुब्बारा फट जाएगा। डरपोक है क्या? अरे देखो तो जरा, गुब्बारा तो धीरे धीरे उस गिलास के अंदर खींचा जा रहा है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। यह देखो, जब मैं इस गुब्बारे को उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वह तो जैसे इस गिलास पर चिपक गया है। क्यों दोस्तों, है ना मेरे गुण कितने निराले? कुछ समझ आया आप सबको इस प्रयोग से? मेरा बहाव हमेशा अधिक दबाव के क्षेत्र से कम दबाव के क्षेत्र की तरफ होता है। तो जब गिलास में कागज के टुकड़े को आग लगाई, तो वहाँ हवा का दबाव कम हो गया और गुब्बारे के आसपास हवा का दबाव बढ़ गया, इसीलिए गुब्बारा गिलास के अंदर खींचा चला गया। प्रोफेसर सर, हमने आपको प्रयोग करते देख हवा के गुणों के बारे में कुछ बातें तो समझी हैं। जैसे हवा अपने आसपास की सब वस्तुओं पर दबाव डालती है, हवा हमेशा ज्यादा दबाव के क्षेत्र से कम दबाव के क्षेत्र की तरफ बहती है। अरे वाह, बड़े होशियार हो तुम तो, पर सोचना बंद मत करना। हवा तो हर जगह है, इसीलिए तुम बहुत ध्यान से हवा का निरीक्षण करते रहो। हवा के गुणों के बारे में बहुत से राज हमारे आसपास ही छिपे हुए हैं। आज हवा की गति बहुत तेज होने की आशंका है। पास के तटीय क्षेत्रों में हवा के कम दबाव के कारण तूफान आने की संभावना है। चलो दोस्तों, अब घर चलते हैं। मैं तूफान में फंसना नहीं चाहता। हाँ दोस्तों, आज मेरी गति बहुत तेज होने वाली है। प्रकृति में अनेक ऐसी स्थितियाँ होती हैं जहाँ किसी स्थान या क्षेत्र से वायु गर्म होने के कारण ऊपर उठती है। ऐसी स्थिति में वहाँ का वायु दाब कम हो जाता है,
इसकी वजह से पवन धाराएं उत्पन्न होती हैं। चलिए आप भी बाहर झांक लीजिए, कहीं आंधी तो नहीं आने वाली। मेरा रुख कब बदल जाए कुछ पता नहीं चलता। चलिए अब इसके बारे में हम अगले वीडियो में समझेंगे। अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। तारा बोर हो रही है तो ठीक है तारा, चलो एक क्विज खेलते हैं। क्विज? हाँ, मैंने तुम्हें कोरोना वायरस के बारे में बताया था ना, देखे तुम्हें याद है कि नहीं? मुझे सब याद है अप्पा, आपने मुझे बताया तो है। ठीक है, तो हो जाए कोरोना क्विज। हो जाए। तो बताओ कोरोना क्या है? कोरोना इजी, कोरोना एक तरह का विषाणु है, वायरस, जिसके कारण इंसान बीमार हो सकते हैं, उन्हें सांस लेने में मुश्किल हो सकती है और वो मर भी सकते हैं। ये बताओ कि कोरोना कैसे फैलता है? अगर किसी को कोरोना है तो उसके खांसते या छींकते वक्त उसके मुंह और नाक से जो बूंदें निकलती है ना, उससे ये रोग फैलता है। बिल्कुल सही तारा। और इस वायरस का नाम कोरोना क्यों है? आपने बताया था। हाँ, याद आ गया, कोरोना शब्द का मतलब है क्राउन यानी मुकुट, क्योंकि इस वायरस के कणों के इर्द गिर्द ऐसे उभरे हुए कांटे जैसे होते हैं, जिसकी वजह से ये मुकुट या क्राउन जैसा लगता है, इसलिए इसे कोरोना नाम दिया गया। और कितने दिनों में कोरोना इन्फेक्शन के लक्षण दिखाई देते हैं? तो उसे 14 दिनों में। करेक्ट, बिल्कुल सही। और इस बीमारी के लक्षण है क्या क्या तारा? अप्पा, ये वायरस किसी के अंदर जाए तो बुखार, खांसी, गले में खलाश और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। वाह, इसे तो सब कुछ याद है। बहुत अच्छे तारा, बहुत अच्छे। थैंक्स अप्पा। पर अब देखते हैं कि आप कोरोना क्विज में कितने नंबर लाते हैं। ओके, ठीक है, पूछो। तो बताइए कि कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा खतरा किसको किसको है? जो ऐसी जगह की यात्रा करके आए हैं जहां ये वायरस फैला है, कोरोना से बीमार लोगों के संपर्क में आए लोग, 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग लोग जो पहले से बीमार हैं। अच्छा अप्पा, इससे ठीक तो हो सकते हैं ना? देखो तारा, वैसे तो इसके 80% मामले घर में देखभाल से ही ठीक हो जाते हैं, पर ये बात याद रखना कि इसकी कोई दवा या वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है, इसलिए इससे बच के रहना है, ठीक है? हाँ, मुझे पता है इससे कैसे बचेंगे। तारा, तुम्हें सब कुछ पता है, बोलो कैसे? हाथों को बार बार साबुन और साफ पानी से अच्छी तरह धोना। तारा, अभी मुंह नाक और आंखें छूने से हमें बचना चाहिए। ये लो। थैंक यू अप्पा। कोरोना से बचने के लिए खांसते छींकते समय रुमाल, टिश्यू या कोहनी से मुंह को ढको तारा, ठीक है? बुखार और सांस लेने में तकलीफ हो तो पहले स्वास्थ्य केंद्र की हेल्पलाइन पर संपर्क करना है और उनकी सलाह के अनुसार डॉक्टर को दिखाना है ना? हाँ, और ये सब खत्म होने तक घर पर ही रहना है, सबसे अलग। तो इसी बात पर मिलाइए आप। तारा, ये क्या कह रही हो? कोरोना से बचने के लिए किसी से भी हाथ नहीं मिलाना,
सभी को हाथ जोड़कर नमस्ते करो। नमस्ते, ऐसे सभी को हाथ जोड़कर नमस्ते करो और एक मीटर की दूरी से बात करनी है, ठीक है? बताओ इसको क्या कहते हैं? हाँ, इसे कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरों से सुरक्षित दूरी। सही बात बताने के लिए थैंक यू अप्पा। हाँ तारा, गलत बातों और अफवाहों पर ध्यान मत दो, नहीं तो कोरोना से बच नहीं पाएंगे हम तारा। तो आपको भी अब कोरोना के बारे में सब सही बातें पता है ना? हाँ? हम आपको ये बता रहे हैं क्योंकि हम ख्याल रखते हैं। हवा के अजब खेल भाग दो। तुम ना बुलाओ तो भी मैं आऊंगी, घर के हर कमरे में रहूंगी, ना भाड़ा ना किराया दूंगी, पकड़ ना मुझको तुम पाओगे, मेरे बिन ना तुम रह पाओगे। बताओ बताओ मैं कौन हूँ? हाँ हाँ दोस्तों, मैं हवा हूँ। गर्मी में गर्म हवाओं के बाद नमी लिए हवाएं तो आपको जरूर याद होंगी, और सर्दियों की रातों की वही हवा आपकी हड्डियों तक में कपकपी पैदा कर देती है। अगर मैं हल्के हल्के बहती हूँ तो आप सब बड़े मजे में पतंग उड़ा सकते हैं, नाव में घूमने जा सकते हैं, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी आनंद में रहते हैं। परंतु अगर मेरा मूड बिगड़ जाए तो मैं आंधी और तूफान बनकर आकाश को धूल मिट्टी से भर देती हूँ, यहाँ तक कि मैं बड़े बड़े पेड़ भी उखाड़ देती हूँ। अरे अरे घबराइए मत, मेरा मूड बिल्कुल अच्छा है। आपको याद है पिछले वीडियो में हमने एक प्रयोग किया था, हमने एक गिलास में पानी भरा था, फिर एक चौकोर गत्ते के टुकड़े को उसके ऊपर रखा था, फिर हमने पानी से भरे गिलास को उल्टा कर दिया था, याद आया? फिर क्या हुआ था? वह पानी गिरा नहीं। आपने पता लगाया कि ऐसा क्यों हुआ? हमने इस प्रयोग से यह समझा कि मैं यानी हवा हर तरफ से दबाव डालती है, ऊपर की तरफ से भी। रमेश, श्याम और महेश पतंग उड़ाने के बाद अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए प्रोफेसर सर के घर आ पहुंचे हैं। देखिए तो, प्रोफेसर सर का घर किसी वैज्ञानिक प्रयोगशाला से कम नहीं लग रहा, हर जगह कोई ना कोई प्रयोग चल रहा है। आइए चलते हैं वहाँ, देखते हैं कि बच्चे क्या सीखते हैं। इस कहानी के उद्देश्य हैं हवा के गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। देखो तो जरा कितना मजेदार और दिलचस्प घर है प्रोफेसर सर का। वो देखो, बोतलें, अलग अलग आकार की शीशियाँ, रंग बिरंगा पानी और कितनी सारी किताबें। अरे लगता है आज किसी का जन्मदिन है, कितने सारे गुब्बारे फुला कर रखे हैं। अरे हाँ चलो प्रोफेसर सर से ही पूछते हैं। नमस्ते प्रोफेसर सर। लगता है वे व्यस्त हैं, मैं एक गुब्बारा फोड़ता हूँ। अरे शैतान, कौन है? हम हैं सर, वो आज पतंगे उड़ाते समय हम सबको हवा की दिशा के महत्व के बारे में कई बातों का पता चला, पर हम सबके मन में हवा की विशेषताओं के बारे में कई सवाल थे, तो हमने सोचा कि आपसे बेहतर हमें कौन समझा पाएगा। बच्चों, हवा दिखती तो नहीं है पर उसके गुण हमें दिखते हैं, यानी कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में हवा के कई गुणों को देख सकते हैं, पर तुम सबको इन गुणों का स्वयं निरीक्षण करना पड़ेगा। सही कह रहे हैं प्रोफेसर, जब तक आप कोई प्रयोग नहीं करेंगे तब तक मेरे बारे में समझ नहीं पाएंगे। देखते हैं कि बच्चे मेरे बारे में क्या समझते हैं, आप भी ध्यान से देखिएगा। प्रोफेसर सर, क्या आज किसी का जन्मदिन है? यहाँ इतने सारे फूले हुए गुब्बारे रखे हुए हैं। अरे नहीं नहीं, मैंने अपने एक प्रयोग के लिए इन गुब्बारों को फुलाया था, लो तुम भी कोशिश करो। ये लो,
मैंने तो 4-5 गुब्बारे फुला लिए। तभी तो हाँप रहा है। ठहर, मैं तेरे लिए पानी लाता हूँ। अरे इधर आओ, देखो प्रोफेसर सर क्या कर रहे हैं। वे सोडा के डिब्बे को क्यों गर्म कर रहे हैं? देखो, अब वे उसे उस पकड़ की मदद से उठा रहे हैं। पानी में डालते ही उस डब्बे का तो आकार ही बिगड़ गया, कैसा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। ये क्या हुआ? क्यों दोस्तों, मजेदार प्रयोग था ना? कुछ समझ में आया कि ऐसा क्यों हुआ? वही जो हम देख नहीं सकते, लेकिन वो हमारे आसपास की हर चीज पर, यहाँ तक कि धरती पर भी दबाव डालती है, यानी कि मेरा या हवा का दबाव। ठहरो, मैं समझाती हूँ। जब उस डिब्बे को प्रोफेसर ने पानी में डाला तो डिब्बे के अंदर की कुछ भाप जल में परिवर्तित हो जाती है और डिब्बे के अंदर वायु की मात्रा कम हो जाती है। डिब्बे के भीतर वायु का दबाव डिब्बे के बाहर की वायु के दबाव से कम हो जाता है और इस दाब के अंतर के कारण डिब्बा पिचक जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हवा या वायु दबाव डालती है। चलो मैं प्रोफेसर सर का चश्मा पहन लेता हूँ। रमेश बेटा, क्या कुछ समझ आया हवा के दबाव के बारे में? आओ एक और प्रयोग करते हैं। तू तो सही में प्रोफेसर जैसा ही लग रहा है, बस मूंछों की कमी है और थोड़ी समझ की। अच्छा प्रोफेसर रमेश, देखो प्रोफेसर सर कुछ और कर रहे हैं। यह एक दिन में कितने प्रयोग करते होंगे? अरे देखो, उन्होंने उस गिलास में एक कागज का छोटा सा टुकड़ा डाला है। चलो देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। अब वे उस कागज के टुकड़े को जला रहे हैं। अरे देखो, वे उस गुब्बारे को उस गिलास के ऊपर रख रहे हैं। मुझे लगता है कि गुब्बारा फट जाएगा। डरपोक है क्या? अरे देखो तो जरा, गुब्बारा तो धीरे धीरे उस गिलास के अंदर खींचा जा रहा है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ये देखो, जब मैं इस गुब्बारे को उठाने की कोशिश कर रहा हूँ तो वह तो जैसे इस गिलास पर चिपक गया है। क्यों दोस्तों, है ना मेरे गुण कितने निराले? कुछ समझ आया आप सबको इस प्रयोग से? मेरा बहाव हमेशा अधिक दबाव के क्षेत्र से कम दबाव के क्षेत्र की तरफ होता है। तो जब गिलास में कागज के टुकड़े को आग लगाई तो वहाँ हवा का दबाव कम हो गया और गुब्बारे के आसपास हवा का दबाव बढ़ गया, इसीलिए गुब्बारा गिलास के अंदर खींचा चला गया। प्रोफेसर सर, हमने आपको प्रयोग करते देख हवा के गुणों के बारे में कुछ बातें तो समझी हैं। जैसे हवा अपने आसपास की सब वस्तुओं पर दबाव डालती है, हवा हमेशा ज्यादा दबाव के क्षेत्र से कम दबाव के क्षेत्र की तरफ बहती है। अरे वाह, बड़े होशियार हो तुम तो, पर सोचना बंद मत करना। हवा तो हर जगह है, इसीलिए तुम बहुत ध्यान से हवा का निरीक्षण करते रहो। हवा के गुणों के बारे में बहुत से राज हमारे आसपास ही छिपे हुए हैं। आज हवा की गति बहुत तेज होने की आशंका है। पास के तटीय क्षेत्रों में हवा के कम दबाव के कारण तूफान आने की संभावना है। चलो दोस्तों, अब घर चलते हैं। मैं तूफान में फंसना नहीं चाहता। हाँ दोस्तों, आज मेरी गति बहुत तेज होने वाली है। प्रकृति में अनेक ऐसी स्थितियाँ होती हैं जहाँ किसी स्थान या क्षेत्र से वायु गर्म होने के कारण ऊपर उठती है। ऐसी स्थिति में वहाँ का वायु दाब कम हो जाता है, इसकी वजह से पवन धाराएं उत्पन्न होती हैं। चलिए आप भी बाहर झांक लीजिए, कहीं आंधी तो नहीं आने वाली। मेरा रुख कब बदल जाए कुछ पता नहीं चलता। चलिए अब इसके बारे में हम अगले वीडियो में समझेंगे। अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो, तो चलिए शुरू करते हैं।
संजय गांधी जैविक उद्यान के जू आउटरीच प्रोग्राम के तहत आज चिंपैंजी एनक्लोजर के बारे में जानेंगे। चिंपैंजी मानव गोरिल्ला और ओरांगोटान की तरह होमिनिड परिवार का सदस्य है, जो लगभग 60 लाख वर्ष पूर्व मानव विकास की प्रक्रिया से अलग हो गया था। वर्तमान में चिंपैंजी की दो प्रजातियां हैं। एक प्रजाति का नाम है पैन पैनिस्कस, जो एक आम चिंपैंजी है, और दूसरी प्रजाति का नाम है बोनोबो, जो कांगो के जंगल में रहता है। चिंपैंजी, जिसे आम बोलचाल की भाषा में कभी कभी चिंप भी कहा जाता है, बोनोबो, गोरिल्ला, मानव और ओरांगुटान के साथ होमिनिड परिवार के सदस्य हैं। आम नर चिंपैंजी की ऊंचाई खड़े होने पर 5.6 फीट तक होती है और इसका वजन अधिक से अधिक 70 किलोग्राम होता है। मादा चिंपैंजी नर चिंपैंजी से कुछ छोटी होती है। आम चिंपैंजी के लंबे हाथ फैलाए जाने पर शरीर की ऊंचाई से अधिक 1.5 गुना अधिक होते हैं और चिंपैंजी के हाथ इसके पैरों से लंबे होते हैं। ये अपने लंबे शक्तिशाली हाथों का इस्तेमाल पेड़ों पर चढ़ने के लिए करती है। जमीन पर चिंपैंजी आम तौर पर अपने सभी चारों हाथ पैरों पर अपनी उंगलियों की गांठों का इस्तेमाल करते हुए चलते हैं और सहारे के लिए हाथों को भींच कर रखते हैं। इसकी खाल काली होती है। चेहरे, उंगलियां, हाथ की हथेलियां और पैर के तलवे बाल रहित होते हैं और चिंप के पास पूंछ नहीं होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि चिंपांजी नेचुरली इंडिया में नहीं पाए जाते हैं, ये मूलतः अफ्रीका में ही पाए जाते हैं, कुछ अफ्रीकन में, और ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। पटना चिड़ियाघर में काफ़ी आकर्षण का केंद्र है और ये 2013 में ये एक नर और एक मादा चिंपांजी को नंदनकानन जू से लाया गया था और ये अभी लगभग 8 से 10 साल इनकी उम्र हो गई है और इनका नाम जो मेल है उसका नाम कार्तिक है और फीमेल का नाम सुभद्रा है। कम जू में ही इंडिया में चिंपांजी हैं और इसके लिए हमें बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। इनके खाने का, इनका डाइट का, सब कुछ का विशेष ख्याल रखा जाता है। सर्दी तथा गर्मी में इनका डाइट विशेषकर चेंज होता जाता है उसी के हिसाब से, और जो मैच्योरिटी है इनमें 8 से 10 साल में ये मैच्योर हो जाते हैं और इनका एवरेज जो लाइफ स्पैन है वो 40 साल तक होता है। चिंपैंजी अनेक नर और मादा वाले सामाजिक समूहों में रहते हैं, जिन्हें समुदाय कहा जाता है। समुदाय के भीतर एक निश्चित सामाजिक पदानुक्रम होते हैं, जो एक सदस्य की सामाजिक स्थिति और दूसरों पर उसके प्रभाव से निर्धारित होता है। चिंपैंजी मनुष्य के
गैर शाब्दिक संवाद की तरह स्वरों के उच्चारण, हाथ के इशारों और चेहरे के हाव भाव के प्रयोग से आपस में संवाद करते हैं। आम वयस्क चिंपैंजी, विशेष रूप से नर, बहुत ही आक्रामक हो सकते हैं और ये अपने क्षेत्र के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम जिस पक्षी के बारे में बात करेंगे वो हिमालयन ग्रिफिन है, जिसे लोग बड़ा गिद्ध भी कहते हैं। ये एक बड़े आकार का फीके पीले रंग का गिद्ध होता है जो सारे हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। हिमालय में ये भारत के अलावा काबुल से भूटान, तुर्किस्तान और तिब्बत तक में पाए जाते हैं। हिमालयन ग्रिफिन एक अनूठा पीला सफेद गिद्ध है। इसके पंख काफी बड़े और पूंछ छोटी होती है। इसका ज्यादातर शरीर हल्के पीले सफेद रंग का होता है। इन्हें हिमालय में 1200 से 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर देखा जा सकता है। इसमें नर और मादा दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। ये गिद्ध दिन के समय सक्रिय होते हैं। इस दौरान ये आसमान में काफी ऊंचाई पर उड़ते हुए मरे जानवर को देखकर एक समूह में उसे खाने के लिए आते हैं। इनकी दृष्टि काफी तेज होती है और आसमान में काफी ऊंचाई से मरे हुए जानवरों को देख लेते हैं। नर व मादा मिलकर चूजों को पालते हैं। मादा एक ही अंडा देती है। गिद्ध की ये प्रजाति भी धीरे धीरे कम हो रही है। इसकी औसत आयु 20 से 35 वर्षों तक होती है और इनका गर्भकाल 58 दिनों का होता है। इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनको नेचुरल स्कैवेंजर कहा जाता है। ये स्कैवेंजिंग का काम करते हैं। जो भी कारकासेस हैं या वाइल्ड में हो या लाइव स्टॉक के होते हैं उसको ये स्कैवेंजिंग करके खाते हैं, जिसके कारण नेचर हमेशा क्लीन बना रहता है। काफ़ी बड़े होते हैं, लगभग इनका जो हाइट होता है वो 3.5 फीट तक पहुँच जाता है। ये लगातार नहीं उड़ सकते हैं लेकिन ये काफ़ी ऊंचाई तक उड़ते हैं। जो इनका मैक्सिमम अल्टीट्यूड है जिस पे ये फ्लाई करते हैं, जो मिनिमम अल्टीट्यूड मतलब इससे ऊपर ही उड़ेंगे, ये लगभग 1200 मीटर है। इसके ऊपर ही ये ज़्यादा पाए जाते हैं। ये फरवरी मार्च में एग लेइंग प्रारंभ करते हैं और जो इनका क्लच साइज है ये 1 से 2 तक का ही होता है, काफ़ी छोटा होता है। और उसे एक बच्चा निकलता है जो नेस्टिंग करते हैं। इनके पेरेंट्स काफ़ी अच्छे से नेस्टिंग करवाते हैं। उसके बाद ये लगभग 5 से 6 महीना रहने के बाद वो उनसे सेपरेट हो जाते हैं। पटना जू में इन्हें चिकन दिया जाता है खाने में और ये लगभग 1.5 kg चिकन एक वल्चर को दिया जाता है। और जो इनका मॉर्फोलॉजी है, जो इनका फिजिकल फीचर्स हैं, उसमें जो पिक्युलरिटी है, उनके लेग के पास में हेयर का टफ्ट पाया जाता है
और गर्दन के पास भी वाइट कलर का एक पैच होता है। हिमालयन ग्रिफन का जो IUCN स्टेटस है वो नियरली थ्रेटेंड है और इनके पॉपुलेशन में उतना ज़्यादा डिक्लाइन नहीं आया है जो और वल्चर्स में आया है। और जो स्टडीज है, साइंटिफिक स्टडीज, उसके थ्रू ये पता चला है कि जो भी वल्चर में रिसेंट डिक्लाइन पॉपुलेशन में हुआ है उसका मेन रीज़न है जो एनिमल कारकासेस हैं, जो लाइव स्टॉक के कारकासेस हैं, उसमें पाया जाने वाला एक केमिकल डिक्लोफेनाक जो एज ए पेन किलर यूज किया जाता है और मरने के बाद भी उनके बॉडी में इसका रेसिड्यूज पाया जाता है और इसे कंजम्पशन के बाद वल्चर जो इसे खाते हैं तो उनके बॉडी में चला जाता है और धीरे धीरे एक ले करते हैं उसका सेल काफ़ी कमज़ोर होता है, उसे प्री मैच्योर हैचिंग हो जाता है बर्ड्स का और उनका डेथ होने लगता है। और प्रोलॉन्ग डिक्लोफिनेक को खाने से वल्चर्स हैं उनके लीवर और अनवाइटल ऑर्गन्स में भी डिजेनरेशन होता है जिसके कारण उनका समय से पहले डेथ हो जाता है। गीत के बाद हम जिस चिड़िया के बारे में बात करेंगे वो चील यानी काइट है। ये बेहद चतुर और फुर्तीले होते हैं। इनके शरीर के ऊपरी हिस्से का रंग भूरा और आंख के पीछे एक काला धब्बा और बाहर का पंख हल्के काले रंग का होता है। इनकी चोंच आगे की ओर झुकी हुई होती है और ये यहाँ के स्थायी निवासी हैं, जो सामान्यतः खुले मैदान और मानव बस्तियों के सामने उड़ते हैं। ये शिकारी पक्षी होते हैं जो ऊपर से ही अपने भोजन की तलाश करते हैं और जब इन्हें अपना भोजन दिख जाता है तो बहुत तेजी से उस पर झपट्टा मारकर लेकर उड़ जाते हैं। ये सर्वभक्षी होते हैं जो छोटे पक्षी, चूहे और मरे हुए जानवर खाना पसंद करते हैं। ये आसमान में काफी ऊंचाई पर उड़ते हैं। इनका वजन 700 से 900 ग्राम तक होता है। ये 2 साल के बाद प्रजनन योग्य हो जाते हैं और मादा चील 30 दिन के बाद एक बार में 1 से 30 अंडे देती है। संजय गांधी जैविक उद्यान में चील और ब्लैक काइट जो हैं ये काफ़ी अच्छे तरीके से रह रहे हैं यहाँ पे। इनके रख रखाव के लिए प्राकृतिक वास का आभास दिया गया है और उसी ये वातावरण में रहते हैं। चील जो हैं इनकी आवाज़ एक बहुत ही कॉमन आवाज़ है, ची ची करने की आवाज़ होती है। इसकी आवाज़ ही एक विशिष्टता है कि पहचान हो जाता है कि आसपास में चील है, जिसे हम लोग ब्लैक काइट भी कहते हैं। पूरे भारत में पाए जाते हैं, 2300 मीटर के नीचे पाए जाते हैं, ये हिमालयन रीजन में भी पाए जाते हैं, भारत के सभी वनों में ये पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से एक रैप्टर शिकारी पक्षी हैं जो मूलतः जो जंगलों में जो बड़े जानवरों के द्वारा शिकार किए जाते हैं उसका जो बचे हुए मांस होते हैं उसका भक्षण करते हैं। छोटे छोटे छिपकली, चूहे इत्यादि का, इंसेक्ट का भी ये खाना खाते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में हम लोग इनके आहार के रूप में मांस देते हैं, चिकन देते हैं इनको। इनके जो चोंच होते हैं हल्के पीले होते हैं और पैर भी इनके हल्के पीले रंग के होते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में जो चील के केज का रख रखाव किया जाता है, इनके बैठने के लिए जो एक व्यवस्था की जाती है, काफ़ी एक प्राकृतिक रूप से इनको बैठने की व्यवस्था की गई है। इनके केज में पौधे वगैरह लगे हुए हैं, छाया भी दिया गया है, पानी की व्यवस्था की जाती है, साफ सफाई रख रखाव बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में हिमालयन ग्रिफिन और चील दोनों को बेहद पसंद किया जाता है और यहाँ आने वाले हर दर्शक इनके इंक्लोजर के पास इन्हें देखने आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एंक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। और हाँ, आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के YouTube चैनल पर देख सकते हैं।
इसके लिए सर्च करें BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और कार्यक्रम को देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और क्वेश्चंस हल करें। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानियां, पेंटिंग्स या इनके 2 से 3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिले के नाम के साथ भेज सकते हैं। हम चुने गए एंट्रीज को आने वाले एपिसोड में प्रसारित भी करेंगे। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।